मैं हूँ तोहिन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं अभी कहाँ पे हूँ? मैं अभी मौजूद नाचा, जो चंद्रकोना रोड से इतना खास दूर नहीं है, 3 से या 4 किलोमीटर के अंदर आपको ये मौजूद नाचा मिल जाएगा। आपको आना होगा घोसकीरा से आगे भेदा, भेदा से आपको लेफ्ट की तरफ आप पूछ लीजिएगा, थोड़ा अंदर आना होगा। तो हम ऐसे लोग के पूछ पूछ के मैं आ चुका हूँ मौजूद नाचा में। जगह बहुत सुंदर है, चारों तरफ पूरा शांत है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे जंगल ही जंगल है, और मेरे पीछे एक स्कूल है, 4 स्कूल है मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, बट बंद है अभी। तो चारों तरफ कोरोना वायरस का बहुत ही प्रॉब्लम चल रही है, जितनी सारे स्कूल है सभी बंद है। अभी तो गवर्नमेंट ने 2 दिन का थर्सडे और सैटरडे को बंद रखा है, किधर भी आप जा नहीं सकते। और चंद्रकोना में रोड में भी तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, इसी वजह से मैं सोचा चलो चंद्रकोना से थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हैं। तो मैं आ चुका हूँ मौजूद नाचा, जो चंद्रकोना से इतना खास दूर नहीं है, बट जगह तो बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं मैं एक मैदान के सामने खड़ा हूँ, और मेरे पीछे जो है बहुत सारे जंगल है, और आज वेदर मौसम बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हाय, मैं हूँ तोहिन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे सामने 4 स्कूल जो अभी बंद है। स्कूल बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। अभी स्कूल बंद है, इसी वजह से मैं अंदर नहीं जा पाए, बाहर से थोड़ा बहुत मैंने फोटो खींच ली। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है, बहुत खूबसूरत बनाया। मौसम खूबसूरत होने के वजह से जगह तो और भी सुंदर लग रहा है। अब देखिए मेरे सामने स्कूल का, और मेरे सामने एक तितली बटरफ्लाई कितनी खूबसूरत थी। वापस जाते समय मैं एक जगह पर रुका, उस जगह का नाम है भेदा, जहाँ पे धान का पेड़ लगा रहा था और एक आदमी ने अपनी गाय को नहला रहा था, और कुछ औरत जो चावल का पेड़ लगा रहा था। पहुँच चुका हूँ कुसुम डोहरी में, मेरे पीछे जो है वो शीतला माता मंदिर है, देखिए मेरे पीछे। अब से गुड़ रखो, भेदा से थोड़ा बहुत आगे जाएंगे, 2 से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अप्रोक्स मुझे पता नहीं है, तो आपको ये मंदिर आपको मिल जाएगा, छोटा है बट बहुत सुंदर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।